तो आज की जो डेटा स्ट्रक्चर की क्लास है उसमें हम लिंक लिस्ट के बारे में जानेंगे। लिंक लिस्ट एक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले भी बताया कि डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट भी एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डायनेमिकली कहीं पर भी कोई वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें एक्सेस करना हो तो वो लिंक के फॉर्म पर हम उसको सिक्वेंशियल मैनर में एक्सेस करेंगे। अगर मैं इसको वर्चुअल इसका डायग्राम बनाऊं, अगर हमारे पास एक इमेजिन करें कि हमारे पास एक एरे है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे अलग अलग स्पेसेस हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का सिचुएशन बोलूं कि रोल नंबर वन आया, वो फर्स्ट पोजीशन पे बैठ गया, रोल नंबर टू आया तो वो सेकेंड नंबर पे ना बैठ करके यहाँ बैठ गया किसी कारणवश, और रोल नंबर थ्री यहाँ बैठ गया, फोर यहाँ बैठ गया और फाइव यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम ये जो है सिक्वेंशियल नहीं है, सॉरी नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी पर्सन कभी भी आ रहा है और कहीं पर भी स्टोर हो जा रहा है, कोई सिक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन जो है हमारी रियल लाइफ के साथ बहुत मैच खाती है। अगर हम क्लास में एंटर करने की बात करें तो रोल नंबर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टूडेंट जो हैं सीक्वेंस वाइज ही आए। हो सकता है रोल नंबर फोर आज ना आए तो फाइव को वेट नहीं करना है, जो जैसा आते जा रहा है वो आके बैठता जाएगा, क्लियर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब कोई स्टूडेंट आके बैठा है, या हम किसी पार्टी की बात करें, वहाँ बहुत सारे चेयर होते हैं और लोग अपने सीक्वेंस में अपने सुविधा के अनुसार पार्टी में आते हैं, और कोई कहीं पर भी किसी भी चेयर पे बैठ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जब पहला बंदा आया वो फर्स्ट चेयर पे बैठेगा, सेकंड पर्सन आया वो सेकंड चेयर पे ही बैठेगा। लोग अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी बैठ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बोलूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो पर्सन कहाँ पर बैठा है, क्योंकि वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी रियल लाइफ के साथ मैच करती हुई चीज़ है, लोग इसी को पसंद करते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर आपको देना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर आपने कोई फाइल यहाँ पर बना रखी है, जैसे मैंने नोटपैड में कोई फाइल बनाई, और जब आप इसको सेव करने जाते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि ये फाइल जो है सी में सेव करना है कि डी में करना है, ई में करना है, एफ में करना है। अगर ये सिक्वेंशियल मैनर में ही होता या लीनियर में ही होता तो आप एफ ड्राइव में तब तक अपना डेटा ना तो सेव कर पाते और ना ही रीड कर पाते जब तक ई ड्राइव फुल नहीं हो जाती, ई में तब तक नहीं कर पाते जब तक डी में फुल नहीं हो जाता, और डी में तब तक नहीं कर पाते जब तक सी में फुल नहीं हो पाता। तो आप एक ऐसे कम ऑपरेटिंग सिस्टम की कल्पना कीजिए जहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप सी फुल होने के बाद ही डी में जाएंगे, डी फुल होने के बाद ही ई में जाएंगे, और उसके बाद एफ में जाएंगे। अगर आपको एफ ड्राइव में किसी फाइल को ओपन करना है तो पहले सी में सारी फाइल्स को ओपन करना होता है, इससे आगे जाना होता है, फिर डी में जाना होता है, फिर ई में जाना होता है, तब जाके आप एफ को ओपन कर पाते। ऐसा होता तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई पसंद नहीं करता। आज हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की वजह से ही ये पॉसिबल है कि हम सी में आज एक फाइल स्टोर करते हैं, कल एफ में करते हैं, फिर डी में करते हैं। कोई कभी भी कैसे भी कहीं से भी रीड राइट कर सकता है। ये सब जो पॉसिबल हो रहा है, जो हमको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, हमारी रियल लाइफ से मैच खाता है, ये सब पॉसिबल हुआ है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारी रियल लाइफ से मैच खाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्रामर को इस प्रोग्राम को बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कोड करना बहुत आसान होता है, बल्कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कोड करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए कि प्रोग्रामर तो सिर्फ एक बार मेहनत करेगा, उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोग रोज यूज करेंगे। तो अगर 1 करोड़ लोग दिन में 10 बार भी यूज करते हैं तो दिन में 10 करोड़ बार प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे। लेकिन वही प्रोग्रामर एक बार अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर देता है तो वो एक बार प्रॉब्लम फेस करेगा। अगर उसका प्रोडक्ट 100 1 करोड़ लोग रोज 10 बार यूज करते हैं तो 10 करोड़ गुना जो है प्रॉब्लम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो है कम हो जाएगी, सिर्फ एक बार जो प्रोग्रामर है उसको इस तरीके से हैंडल करने से।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा टफ जरूर होता है, बट उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, कई जगहों पर नॉन लीनियर ही हम यूज़ करते हैं। अब बात होती है कि नॉन लीनियर में डेटा रखा तो गया है, लेकिन इसको बाद में रिट्रीव कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनको लिंक कर दिया जाता है। फर्स्ट वाले के पास सेकंड का एड्रेस, सेकंड के बाद थर्ड का एड्रेस, थर्ड के पास फोर्थ का, एंड फोर्थ के पास फिफ्थ का एड्रेस होता है। तो हम यहाँ पर कोई कैसे भी बैठा रहे, हम यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम वन के पास जाएंगे, वन के पास हमको मिल जाएगा कि सेकंड वाला कौन से चेयर में बैठा है, क्योंकि हमने वन को और सेकंड को लिंक कर रखा है। फिर सेकंड में जाएंगे, सेकंड वाला बताएगा कि थर्ड वाला कहाँ मिलेगा, हम थर्ड के पास जाएंगे और फिर फोर्थ वाले का एड्रेस मिलेगा, फोर्थ के पास फिफ्थ का एड्रेस मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो लिंकिंग होती है उसको लिंक लिस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो लिंक लिस्ट को हम कुछ इस तरीके से डायग्राम में दिखा सकते हैं, कि अगर मैं लिंक लिस्ट को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लिंक लिस्ट में छोटे छोटे एलिमेंट्स ना होकर के नोड होते हैं, इसको नोड कहा जाता है। ये पहला नोड है, और हर नोड जो है दो हिस्से में डिवाइडेड रहता है। एक हिस्से में डेटा होता है, दूसरे हिस्से में एड्रेस होता है, एड्रेस नेक्स्ट एलिमेंट का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नोड हैं। तो अब जब इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो यहाँ पर स्टोर है, ये वाले नोड पर, तो इसमें डेटा होगा, इसमें D1 लिख देता हूँ और इसमें D2 लिख देता हूँ, और इसमें एड्रेस 2 होगा, यानी इसके पास इसका एड्रेस होगा और इसके पास एड्रेस 3 होगा। जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे D3 लिखा मैंने, और यहाँ पर एड्रेस 4 होगा, और फोर्थ वाला एड्रेस ये है, तो ये ऐसा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फोर्थ वाला एड्रेस है जो सबसे लास्ट है, यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेटा 4 है। तो आप देख रहे हैं कि डेटा पहले आया, पहले जो डेटा आया वो फर्स्ट नंबर के चेयर में बैठा या फर्स्ट टेबल पे बैठा, सेकेंड नंबर पे जो आया वो फोर्थ नंबर के चेयर में आके बैठ गया, फिर थर्ड नंबर पे जो आया वो सेकेंड नंबर के चेयर में बैठा, और जो लास्ट में आया वो थर्ड नंबर के चेयर में बैठा। इस तरीके से डेटा स्टोर हो गया, अपने मन मर्जी से कोई कहीं भी बैठ जा रहा है या डेटा कहीं पर भी रखा जा रहा है। लेकिन अब हमें इन डेटा को रिट्रीव करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट चेयर में जाएंगे, फर्स्ट चेयर में डेटा हमको मिलेगा D1, और फर्स्ट चेयर वाला ही बताएगा कि D2 हमको कहाँ मिलेगा, वो बता रहा है A2, सॉरी यहाँ पर मिलेगा A2, जो लिंक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो हमको D2 मिल जाएगा, D2 बताएगा कि D3 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर ये इसकी लिंक बता रही है कि D3 यहाँ पर है, और D4 कहाँ मिलेगा ये हमको ये बताएगा, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि D4 हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एक सीक्वेंस जो है मैनर सीक्वेंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को कहीं भी रखे हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर इसको हम रस्सी की तरह माने, ये एक रस्सी का एक छोर है और ये रस्सी का दूसरा छोर है, और जब इसको पूरा इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे तो ये आपको सभी नोड इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे। इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। यहाँ पर ये D1 होगा, ये D2 होगा, ये D3 होगा, और D4 होगा, और D5 इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगा। हम वर्चुअल डायग्राम में इस तरीके से दिखाएंगे लेकिन वो मेमोरी में कहीं पर भी हो सकता है। जैसे अब मैं बात करूं कि अगर पांच अलग अलग चार अलग अलग लोग हैं, पहला पर्सन मुझे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ वाले पर्सन को अगर मैं अरेस्ट करता हूँ तो वो मुझे सेकंड पर्सन का एड्रेस बताएगा जो कि दिल्ली में है, फिर दिल्ली में जाके सेकंड पर्सन को जब हम अरेस्ट करेंगे तो वो थर्ड पर्सन का एड्रेस बताएगा कि वो चेन्नई में है, चेन्नई में जाके जब फोर्थ को करेंगे तो फोर्थ वाला अगले का एड्रेस बताएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, कड़ी में कड़ी जुड़ते जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके का जो डेटा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। अब कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी कि लिंक लिस्ट में जो एक डेटा होता है, जो एक एलिमेंट होता है, उसको नोड कहा जाता है। यानी लिंक लिस्ट को हम टेक्निकली बोले तो लिंक लिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से पॉइंटर के थ्रू कलेक्ट जुड़े रहते हैं, जिसको हम लिंक भी कहते हैं। तो लिंक लिस्ट में मल्टीपल नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और उन्हीं लिंक से हम उनको
एक्सेस कर सकते हैं। हर नोड में जो होता है दो पार्ट होता है, एक पार्ट जो है डेटा पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है उसको एड्रेस पार्ट कहा जाता है। डेटा पार्ट में उस नोड का डेटा होता है और एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस या पॉइंटर होता है ताकि हम नेक्स्ट नोड तक पहुंच सकें। तो ये नोड होते हैं, तो नोड के कलेक्शन से हम लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिंक लिस्ट को हम ऐसा दिखाते हैं कि नोड नोड ऐसा बना के दिखा देते हैं कि ये नोड्स हैं। तो हम यहाँ पर नोड बनाते हैं, देखिए इस तरीके से। मैंने यहाँ पर कुछ नोड्स बना दिए हैं, तीन नोड्स बनाए। तो जो सबसे पहला नोड होता है उसमें सर नेक्स्ट वाले का एड्रेस जो है स्टोर होता है यहाँ पर।